नमस्कार, यूटीवी न्यूज 24 की एक और नई खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वेलिंगटन के ग्राउंड में न्यूजीलैंड में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच इंडियन टाइम के हिसाब से आज सुबह 4 बजे स्टार्ट हो चुका है। मगर दोस्तों, जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, कुछ समय बाद, लगभग 1-2 घंटे बाद, बारिश ने दम नहीं ली और लगातार बारिश गिरती रही। इस वजह से मैच को रोकना पड़ा और हो सकता है कि आने वाले समय में इस मैच को कैंसिल भी किया जा सकता है ICC और BCCI द्वारा। मगर दोस्तों, भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा कि ये मैच कैंसिल हो जाए और ये मैच रद्द हो जाए, क्योंकि भारतीय टीम का बिल्कुल पतन हो चुका है और लगभग सभी विकेट गिर चुके हैं ओनली 122 रन पे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि कैसे कैसे गिरे भारतीय टीम के ये सभी विकेट। गाइस, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के इस पहले मैच में सबसे पहले तो न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। सबसे पहले बैटिंग के न्याय पृथ्वी शो के साथ मयंक अग्रवाल, दोस्तों इनकी जोड़ी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई और पृथ्वी शो का विकेट टीम सऊदी ने ओनली 16 रन पे चटका दिया। 2 चौके लगाने के बाद पृथ्वी शो चलते बने। उसके बाद दूसरा विकेट बहुत ही तगड़ा गिरा चतेश्वर पुजारा के रूम में, 35 रन पे ये वाला विकेट गिरा है चतेश्वर पुजारा का 16वें ओवर की तीसरी गेंद पे। तो वहीं तीसरा विकेट कैप्टन विराट कोहली के रूम में गिरा 18 ओवर की 5वीं गेंद पे 40 रन पे, यानी 5 रन बाद ठीक विराट कोहली भी आउट होकर चलते बने। उसके बाद 88 रन पे चौथा विकेट गिरा मयंक अग्रवाल के रूम में 35वीं ओवर की तीसरी गेंद पे। तो वहीं 101 रन पे पांचवा विकेट गिरा हनुमा बिहारी के रूम में 42वीं ओवर की पहली गेंद पर। और अब भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 122 रन 5 विकेट गंवाने के बाद 55 ओवर में। और फिलहाल अजिंक्य रहाणे ने 38 रन पे खेल रहे 122 गेंदों का सामना किया है। तो वहीं ऋषभ पंत ने 37 गेंदों का सामना किया है 10 रन पे खेल रहे हैं। फिलहाल बारिश के कारण इस मैच को रोकना पड़ा है और उम्मीद है कि बारिश के बाद ये मैच दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी राय क्या है, क्या भारतीय टीम आज के इस मैच को गंवाने वाली है, फिर भारतीय टीम आज के इस मैच को जीतने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और दोस्तों, आप ऐसी क्रिकेट वाली खबरें सबसे पहले देखना चाहते हो तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब वाली बटन नजर आ रही होगी, उसे दबा लीजिए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल घंटी नजर आएगी, उसे दबा के ऑल पे प्रेस करना भी ना भूलें। तो फिलहाल इस खबर में इतने था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।